पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ।
कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगत पते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सद श्री कृष्णमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग में प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्री चैतन्य भागवत का मध्य खंड है। जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आए, वापस आने का बाद इसी अध्याय में महाप्रभु है कौन, ये अपने आप को प्रकाश करना चाहते हैं। भक्त लोग भजन तो कर रहे हैं लेकिन बड़े बड़े पाखंडियों को उत्पात से हैं, वो लोग भी अंदर अंदर में भजन कर रहे हैं, क्योंकि पाखंडी लोग उस समय बड़े उल्टा पुल्टा भक्तों को गाली गलौज करते थे। अभी महाप्रभु सोच रहे हैं धीरे 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 मैं अपना स्वरूप को प्रकाश करूं और भक्तों को पता चले मैं कौन हूँ और जगत में किस लिए आया हूँ। इसलिए जब इसी मध्यखंड को प्रारंभ करते हैं, सर्वप्रथम श्रीमान महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को वृंदावन दास ठाकुर एक श्लोक के द्वारा प्रणाम करते हैं। बोले अजानुलंबित भुजौ कनका बदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। कद एक श्लोक में कद श्री अपना जो गुरुपाद पद्म श्री नित्यानंद प्रभु और श्री महाप्रभु दोनों को एक श्लोक द्वारा वंदना करते हैं। वो शिक्षा देते हैं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तत्वतः अलग नहीं, केवल लीला प्रकाश करने के लिए वो दो रूप में प्रकटित हुए हैं। इसलिए यहाँ पर दो वचन के द्वारा समझा रहे हैं। भले अजानुलंबित भुजौ कहते महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के अंदर में ये 26 जो महापुरुषों का गुण है, एक गुण को अंदर में अजानुलंबित भुजौ मतलब है जो महापुरुष होते हैं उनका हाथ जानू तक लंबा होता है। साधारण लोगों का हाथ अपना घुटन तक होगा है इसलिए, लेकिन जो महापुरुष लोग उनका जानू तक उनकी हाथ होता है। अजानुलंबित भुजो बोले कनका बदातो, कनका बदातो मतलब जितने भगवान के सारे अवतार हुए हैं सब के सब काले हुए हैं लेकिन एक ही अवतार श्री सच्चिनंदन गौर हरि वो केवल श्री कौरव वर्ण के हैं। इसलिए बोले तप्त कांचन गौरांगी राधा रानी के अंगल भाव को लेकर के आए, इसलिए इनका रंग श्री गौर हरि, गौर मतलब श्रीमती राधा रानी, हरि मतलब कृष्ण, कहती ये दोनों मिलकर के एक स्वरूप श्री गौर
हरी। कहते जैसे कहते गौर आजा कनक बदा तो, जैसे श्रीमन महाप्रभु का रंग गौर वर्ण है, कहते नित्यानंद प्रभु का रंग भी वैसे गौर ही वर्ण है। इसलिए अजान लंबित हो जाओ कनका बता दो संकीर्तन पितरो। महाप्रभु जगत में आए क्यों, उसमें एक कारण है, कलयुग धर्म है नाम संकीर्तन, एतत अर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन। कलयुग का जो युग धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन है, इसलिए महाप्रभु जगत में हरिनाम को प्रचार करने के लिए आए। केवल महाप्रभु ही ये काम किए ऐसे नहीं, श्री नित्यानंद प्रभु ही दरवाजा दरवाजा में जाकर के महाप्रभु का आदेश पर उन्होंने जगत में हरिनाम कीर्तन को उन्होंने भी प्रचार किया है। इसलिए बोले संकीर्तन का ये दोनों ही ये पिता है, संकीर्तन का पितरो बोले कमला यताक्ष। कहते महाप्रभु का आंखें कैसे, बोले कमल आंखें आंखें है, जैसे इनका आंख आजानो कहते आकर्ण लंबित चक्षु, कहते इनका आंख यहाँ से लेकर कान तक इनके चक्षु है। इसलिए नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आग्रह। कहते भगवान के शरीर में कहते आठ कमल है, उनका दो नेत्र कमल है, नाभि कमल है, दो हस्त कमल है, दो चरण कमल है, इनका मुख कमल है। इसलिए महाप्रभु का सुंदर है कहते कमलाक्ष, कमल जैसे आंखें हैं, नित्यानंद प्रभु का भी कमल जैसे उनकी आंखें भी ऐसे कमलायताक्ष बोले विश्व भरव। महाप्रभु ने क्या किया, जगत को उन्होंने आकर के ये विश्व को उन्होंने भक्ति प्रेम को द्वारा उन्होंने जगत को भरण पोषण किया। कहते उसी तरह श्री नित्यानंद प्रभु भी ये जगत को उन्होंने प्रेम दे करके जगत को प्रेम को द्वारा भी भरण पोषण किया। इसलिए विश्व भरव उसके बाद में जुग है द्विज भरव। कहते श्री महाप्रभु भी ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, नित्यानंद प्रभु भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म हुए। द्विज भरव जुग धर्म पालो, जुग धर्म जो हरिनाम संकीर्तन श्रीमन महाप्रभु जैसे उन्होंने हरिनाम संकीर्तन को प्रचार किया, उसी तरह श्री नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने दरवाजा दरवाजा में भेजे, ले जाओ प्रति घरे घरे किया मागई भिक्षा, बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण सिख्या। दरवाजा दरवाजा में जाओ सबसे किस चीज की भिक्षा मांगो, कृष्ण भक्ति की, कृष्ण प्रेम की, कृष्ण भजन की, सबसे यही चीज को तुम लोगों ने भिक्षा मांगो। इसलिए युग धर्म पालो, उसके बाद में संकीर्तन का पितर जग बंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। इसलिए दोनों भैया नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जगत का करुणा करके ही जगत में अवतीर्ण हुए, इसलिए करुणा अवतारो जगत प्रिय करो। जगत का जो दोनों ही महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों ही जगत का प्रिय किए हैं। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर जब ये अध्याय को इसलिए यहाँ पर जब प्रारंभ करते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर कहते हैं जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के अंदर में जो जो गुण हैं, कहते मेरे श्री गुरुपाद पद्म श्री नित्यानंद प्रभु में भी सारे गुण विद्यमान हैं, और दोनों तत्व अलग नहीं, तत्व दोनों एक ही है। इसलिए आगे हम लोग श्रवण करेंगे, जब जब श्री नित्यानंद प्रभु का कोई भी नाम थोड़ी सी आ गया ना, लेकिन वो तो लीला वर्णन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का लीला वर्णन करना छोड़ दिया, उन्होंने नित्यानंद 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 पास नित्यानंद प्रभु कथा को बोलते 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 गए। फिर जब बीच में याद आया, अरे मैं तो महाप्रभु का कथा बोल रहा था है, लेकिन महाप्रभु का कथा छोड़ दिया, नित्यानंद 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 नित्यानंद
कथा बोलना शुरू कर दिया, फिर आरंभ करते हैं फिर श्री महाप्रभु की। इसलिए प्राय करके चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु की बहुत बहुत उन्होंने महिमा को गाई। बोले तात्पर्य किया है, बोले यहाँ पर शिक्षा देते हैं, बोले एक शिष्य को अपना गुरु जी का प्रति कितने आविष्टता होनी चाहिए, कितने गुरु चरण में प्रथम तो गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम। इसलिए कितने आविष्टता होनी चाहिए शिष्य को श्री गुरु जी के चरण का प्रति। इसलिए जथा देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान के प्रति हमारी प्रेम है वैसे प्रेम श्री गुरु जी के चरण में होनी चाहिए। इसलिए अध्याय के पहले महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को वृंदावन दास ठाकुर प्रणाम करते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, बोले मध्य खंड कथा जैन अमृत खंड जे कथा सुन लघुचे अंतर पाषंड। कदी जो मध्य खंड कथा, कदी कथा कैसे है, कदी अमृत का के टुकड़े है, अमृत का ये खंड है टुकड़े है। अगर ये कथा को कोई श्रवण करेंगे, अगर हमारे हृदय में जो पाखंडत्व बैठा हुआ है, हैं, इसलिए कहते पाखंडता क्या होगा, ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो मध्य खंड में कैसे उन्होंने अपना भक्तों को लेकर के उन्होंने कीर्तन किया है, ये कीर्तन कैसे किया यहाँ पर वर्णना की गई है। महाप्रभु जब गया से वापस आए, वापस आते ही सब भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो गए। महाप्रभु गया गए थे और गया दर्शन करते आए, इतने में उनके सारे के सारे जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे, परिवार के लोग थे, सबके सब महाप्रभु से मिलने के लिए आए। जब मिलने के लिए आए तब सब भक्त लोग ने पूछा, गया दर्शन ठीक ठाक हो गया ना? बोले आप लोगों का आशीर्वाद से बहुत बढ़िया से हमने ये गया को मैंने दर्शन किया है। और सची मैया बड़ी खुश हो गई, बेटा अभी गया से वापस आ गया, बड़ी खुश है। जब खुश हो गई महाप्रभु सारे भक्तों से मिल करके और अपना परिवार से मिल करके सबको भेज दिया, जाओ अपना अपना घर में जाओ। घर में जा करके फिर उन्होंने क्या किया, बोले विष्णु भक्त दुई गुटी चारी जन लैया रह कथा कही बारे बसीले न किया। सबको भेज करके महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने विष्णु भक्त गुट्टी दुई चारी जन लिया, तीन चार अपना भक्तों को अंतरंग परिकरों को लेकर के उन्होंने एक घर को अंदर में गए और जा करके उन्होंने तीर्थ में उन्होंने क्या क्या दर्शन किया है, हैं, तीर्थ की क्या महिमा है, उनको साथ में उन्होंने कहते रह कथा कई बार बस लेने किया। जो अंतरंग भक्तों को लेकर के जो अंतरंग जो कथा जो गोपनीय कथा बोलने के लिए बैठे, इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं अपना भजन तथा ना कहिवे जथा तथा। इसलिए उड़िया में कहते ना हाटरे मध्य ब्रह्म ज्ञान, उड़िया में ये जो ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए महा श्री कृष्णचंद्र भी जब अर्जुन को ये गीता का उपदेश दिया है अंत में कहते हैं ना अभक्ताय कदाचन, ये कथा अभक्तों को नहीं बोलना है। महाप्रभु श्री कपिल देव जब अपना माँ को ज्ञान की बात बताए, बाद में ये भी बताते बोले मैया मैंने जो तुमको कथा सुनाया ना, ये कथा नहीं है, स्वयं कृष्ण है। ये कथा को सबको जैसे तैसे व्यक्तियों की कथा तुम नहीं सुनाना, उन्होंने मना कर देते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, दो चार भक्तों को लेकर के एकांत में बैठ करके उनके हृदय की जो बात है उसको बताने गए। इसलिए बोले अपना भजन कथा, अपना का जो भजन का बात जिसको तिसको नहीं बोलनी चाहिए। जैसे हमने कोई भगवत अनुभूति हमें हुई है, जब भगवत अनुभूति हुई ये जो अनुभूति है सब व्यक्ति को नहीं बोलनी चाह रहे, हमें ये भगवत अनुभूति हुई, हमने ये देखा, हमने ये देखा कर, जैसे तैसे व्यक्तियों को नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि अगर भक्तों को अगर बोलोगे भक्त लोग तो ये चीज को समझ लेंगे, लेकिन अगर जैसे तैसे बाहर व्यक्ति को बोलोगे अरे सब बेकार सब बात है, ये अनुभूति हुआ ये होती है भगवान को हमने देखा ये सब बेकार बात है, हम भगवान भगवान हम कुछ नहीं मानते, उसको द्वारा क्या होगा, कहते भक्तों का जो भाव है वो भाव खत्म हो जाएगा।
भाव खत्म हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, दो चार भक्तों को केवल उन्होंने अंदर में लेकर के उन्होंने गया में जाकर के उन्होंने ज्ञान अनुभूति की है, हैं? तो वो बात को उन लोगों को बताए। इसलिए वो कह रहे हैं, मैंने जब तीर्थ में गया, तीर्थ में मैंने क्या देखा है, बोले पूर्वे कृष्ण सब कैले गया यात्रा आगमन, सही स्थाने रही प्रभु धोईला चरण। कहते कभी कृष्ण गया में, कृष्ण कभी गए थे, जब कृष्ण गया में गए थे वहीं पर भगवान ने क्या किया, अपना चरण को धोए और वहां पर भगवान अपना चरण को उन्होंने छाप छोड़ कर गए। इसलिए वहां पर सिर्फ भगवान का चरण का चिन्ह है। और जब मैंने वहां पर गए, क्या हमने देखा, क्या हमने देखा, कितने हजार हजार लोग है और कैसे भगवान के चरण की वंदना कर रहे हैं सबके सब वेद ध्वनि को द्वारा। और वहां पर कहते ये चरण की, भगवान की चरण की इतने महिमा क्यों, बल कारण है जिनकी चरण से ये गंगा स्वयं चरण से निकली। और गंगा निकली तो गंगा को किसने धारण किया, बोले शंकर जी अपना जटा में उन्होंने धारण किया है, हैं? इसलिए जिस समय श्री गंगा को भगीरथ ने बहुत प्रचेष्टा करते हुए, उनका पूर्वज में दिल्ली और कौन बनाए थे, दिल्ली पे आए और सगर महाराज आए और कहते हाँ बहुत लोग आए, क्योंकि सगर महाराज का जो बच्चे 10,000 बच्चे कपिल मुनि के अभिशाप से सबके सब चल करके राख हो गए थे। कपिल मुनि ने बोले हाँ ये उधार हो सकते हैं, अगर किसी तरह से गंगा को अगर ले आओगे केवल गंगा की स्पर्श से ही इनका उद्धार हो सकती है। इसलिए इनका पूर्वज लोग बहुत कोशिश किया गंगा को कैसे अवतरण करें, लेकिन कोई प्रसन्न नहीं कर पाए। लेकिन प्रसन्न किसने किया, बोले भगीरथ। तो कहते क्यों, उनका पूर्वज लोग भी तो गंगा को लाने के लिए कोशिश किया था, वो लोग क्यों नहीं ला पाए, ये भगीरथ क्यों लाए, बोले कारण बताए। कहते वो जो 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 पहले पहले जो राजा लोग गंगा को संतुष्ट करने के लिए गए, कब गए, जब पूरा घर गृहस्थी करके जब रिटायर्ड लाइफ हो गया ना, वो रिटायर्ड लाइफ में गए उनको खुश करने के लिए। लेकिन उसको पहले तो सारे हैं अपना दुनियादारी में अपना सब कुछ घर गृहस्थी करके बीवी बच्चों को जितने एनर्जी सब तो दे कर गए, उनको सारी एनर्जी तो वहीं पर खत्म हो गया, खत्म हो गया। फिर गए उनको कोशिश करने के लिए किसको, गंगा को। लेकिन गंगा कब खुश होगी, जब एक मन से हम उनको ध्यान करेंगे, भजन तभी तो कर सकते हैं ना एक मन से, लेकिन ऑलरेडी तो सारी एनर्जी खत्म है, इसलिए कोई भी गंगा को संतुष्ट नहीं कर पाए। लेकिन भगीरथ ने क्या किया, जब उनने सुना मेरे पूर्वज लोग बहुत कोशिश किए गंगा को लाने के लिए, अभी पूर्वज लोग हाहाकार कर रहे थे, हैं? एक वीडियो दिखाया था उसमें दिखा रहे हैं कैसे हाहाकार कर रहे थे, हमें उधार करो भगीरथ, हमें उधार करो, हम बड़े कष्ट भोग कर रहे हैं, हमें उधार करो, हमें मुक्ति दिलाओ, उधार करो। इतने भगीरथ ने देखा मेरे पूर्वज लोग हाहाकार कर रहे हैं, दुखी दुखी हो रहे हैं, और मैं राज सिंहासन में बैठ करके विषय भोग करूंगा, नहीं, पहले अपना पूर्वजों को मैं उद्धार करता हूँ, फिर जाकर के मैं राज सिंहासन में बैठूंगा। इसलिए भगीरथ ने एकदम बचपन से गए, जब बचपन से गए पूरा के पूरा एनर्जी उनका, किसी एनर्जी अभी कहीं उनको बटा नहीं हुआ था, पूरा एनर्जी पूरा के पूरा उनका एनर्जी पूर्ण रूप है। इसलिए जब उन्होंने भजन करने के लिए गए, पास मन को जब उन्होंने लगाया गंगा के चरण में, गंगा जी प्रसन्न हो गए, गंगा खुश हो गए। इसलिए प्रहलाद महाराज को शिक्षा में बताएंगे, प्रहलाद महाराज वहां पर कह रहे हैं भैया बुढ़ापा में भजन करना कठिन है, बुढ़ापा में भजन करना बुढ़ापा में कठिन है, हैं? क्यों, सारे एनर्जी तो खत्म है, कोई एनर्जी है नहीं तुम्हारे पास में जो भगवान को दोगे, सारा तो घर गृहस्थ में गए चला गया, जो चला गया जो भजन करने के लिए जाओगे, अभी रील में जो भरा होगा वही तो आएगा ना, रील में जो भरेंगे वही चीज तो आएगा, लेकिन ऑलरेडी रील में तो सब उल्टा पुल्टा चीज भर चुके हैं, भर चुके हैं। फिर भगवान के चरण में फिर मन को लगाओगे कैसे, स्वयं तुम लोग स्वयं देख लेना, जब आप भजन करने के लिए जैसे आप 10 मिनट बैठते हैं आनी करने के लिए, जब आनी करने के लिए बैठेगा आप देखना
आनी करने के लिए ओम भूर इतना बोला, बस मन कहीं और चला गया। मन वो कहीं अपना जहां पर प्रेम है ना, मन वही चला गया, पूरा मंत्र खत्म हो गया। देखा भैया मन तो है ही, मन तो है ही नहीं, मंत्र तो। ये बचपन में भी आ करके भक्ति करना इतना कठिन, और जिन लोगों ने पूरा आगे पूरा एनर्जी पूरा संसार में चला गया ऑलरेडी, तो भजन करने के लिए बैठे, मन कहाँ लग गया है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोले देखो कौमार आचरते प्राज्ञम, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको बचपन से ही भजन में भजन करना उनको शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए भगीरथ ने संतुष्ट कर दिया गंगा को, गंगा बोले मैं तेरे भजन में मैं संतुष्ट हूँ, तुमने पूरा मन प्राण चित्त पूरा के पूरा तुमने मेरे में लगा दिया, लेकिन मेरे पास में दो समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले पहला समस्या है अभी मेरे बैग को धारण कौन करेगा, दूसरा समस्या है सबके सब पापी लोग आकर के स्नान करेंगे, सबके सब पाप छोड़ करके जाएंगे, पाप फिर तुम्हें पापी पापी नहीं बनी जाओगे, मेरे पाप को सब मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी। फिर ये दो समस्या को हल कर मैं आने के लिए राजी हूँ। फिर उन्होंने श्री शंकर जी को, उन्होंने शंकर जी को उन्होंने प्रसन्न किया, बोले कोई बात नहीं, चरणामृत ठाकुर जी की मेरे अहोभाग्य है, ठाकुर जी के मैं चरणामृत को मैं अपना सर पर मैं धारण करूंगा है। और दूसरा समस्या क्या है, जब गंगा में पापी लोग स्नान करेंगे, कहते बड़े बड़े संत लोग भी तो स्नान करेंगे, तीर्थ कुर्वंत तीर्थाने संतस्तेन गदामृत, भक्त लोग भगवान को अपना हृदय में धारण करते हैं, जब उनके चरण स्पर्श होता है क्या होता है, वो लोग सारे पापियों का पाप को ग्रहण कर लेते हैं है? इसलिए तब गंगा जी बोले शंकर जी धारण करेंगे, बोले हाँ, बोले शंकर जी को बोल दो ठीक से खड़े रहे है, नहीं तो इतने बेग से मैं आऊंगा ना, शंकर समेत मैं पाताल में उनको ले जाऊंगा। शंकर जी बोले कोई चिंता मत करो, जितने ताकत लगा दो। शंकर जी तिशूल लेकर के एकदम खड़े हो गए, और शंकर जी अपना जटा को उन्होंने फैला दिया है। क्यों, शंकर जी कौन है, वैष्णव नाम यथा शंभु, कहते सीम सम को रघुप्रति व्रतधारी, शंकर जी के बराबर जगत में से कौन हो सकते हैं जो भगवान की इतने प्यारे भक्त हैं, हैं? इसलिए पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, पंचमुख में भगवान की नाम को जप करते हैं, भगवान की भक्ति प्रेम रस में शंकर जी बलवान हैं। बोले कोई चिंता मत करो गंगा जी, हाँ जब ब्रह्मांड कटाह को भेद करते हुए गंगा जी कलकलनाद से वहां पर आई, सारे ताकतों को लेकर के आई, बोले शंकर जी को तुम नीचे नहीं ले जाऊंगी। ए शंकर जी त्रिशूल लेकर कैसे खड़े हो गए, गंगा आई तो आई पूरा जटा में ही कहीं समा गए, जटा में ही घूमते रह गए है, जटा में एकदम घूमते रह गए। इसलिए पता नहीं चला, भगीरथ ने देखा गंगा तो आ गई, लेकिन गंगा गई तो गई कहाँ, गंगा देखा उस जटा में ही, गंगा उसी में ही समाई हुई घूम रही है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। इतने में फिर भगीरथ ने शंकर जी को बोले फिर प्रभु मैंने बड़े तपस्या करके पूर्वजों को उद्धार करने के लिए लाया हूँ, आप कृपा करके गंगा जी को थोड़ा दे दो। बोले चरणामृत थोड़ी देते, चरणामृत लेते हैं, थोड़ी चरणामृत देने का चीज होता है। बोले प्रभु तो थोड़ी सी दे दो शंकर जी, फिर जटा से उन्होंने थोड़ी सी जटा से निकाला, फिर निकाले तो इतने इसलिए कहते उन्होंने थोड़ी सी एक धारा उन्होंने दिया तो उन्होंने गंगा को क्या हुई, गंगा कलकल नाद करते हुए गई, का गंगा गई तो नवद्वीप नवद्वीप होकर हुई गई, और वहीं पर श्री जन्नु मुनि बैठे हुए थे। बोले गंगा भगवान की चरणा पर, तो उन्होंने भी पूरा पूरा गंगा को पान कर लिया। हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ, उनके जब आगे 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 शंख बजाते हुए जा रहे थे और जन्नु मुनि भजन कर रहे थे, उनका जितना सेवा की जो सामग्री था, पूजा सेवा की सामग्री गंगा ने बहा लिए। बोले यार ये क्या है, बोले गंगा तो सबके सब बहाते हुए ले जा रही है, पर ठाकुर का चरणामृत है। फिर उन्होंने पूरा के पूरा उन्होंने चरणामृत उन्होंने पी ली। फिर भगीरथ ने देखा गंगा तो यहीं पर आई, फिर कहीं गाय। फिर उन्होंने क्या की, फिर उन्होंने जन्नू ऋषि को उन्होंने प्रार्थना की, फिर उन्होंने अपना जानू को फाड़ दिए, फाड़ दिए तो वहीं से निकली, इसलिए गंगा का एक नाम हो गया जान्हवी नाम हो गया।
ब्लेसी जाह्नवी देवी की। गंगा वहीं से प्रकट हुई और नवद्वीप में जो गंगा आई ना, अब देखना गंगा किसी तरह से ये नवद्वीप धाम को ये छोड़ना नहीं चाह रहे थे। बोले क्यों? उन्होंने देखा यही पर श्री सचिनंदन गौर हरि कलि युग में जन्म ग्रहण करेंगे, यहीं पर बड़ी मधुर मधुर लीला करेंगे प्रभु, गंगा जल में प्रभु विहार करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो गंगा में क्रीड़ा कर रहे थे ना, जहाँ पर गंगा सागर क्या है, चंपकघाट समुद्रगढ़ है, समुद्रगढ़ में वहाँ पर गंगा कह रही है, गंगा जमुना दो बहन, गंगा जमुना से बोल बोले जमुने तुम कितने सौभाग्यवती हो, कृष्ण जिसमें क्रीड़ा किए, कृष्ण रंग में तुम रंगी हुई हो, इसलिए तुम्हारे रंग श्यामा रंग है, काली रंग है, कृष्ण रंग में रंगी हुई, कृष्ण तुम्हारी जल में विहार किए, तुम कितने सौभाग्यवती। यमुना बोली कोई चिंता मत करो, यही कृष्ण ही कलियुग में सचिनंदन गौर हरि बन करके श्री नवद्वीप धाम में आएंगे और नवद्वीप धाम में आकर के क्या करेंगे, फिर तुम्हारी जल में वो विहार करेंगे हैं, इसलिए तुम्हें भी वो सौभाग्य प्रदान करेंगे। इसलिए यहाँ वृंदावन दास ठाकुर वर्णना करते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जमुना में गंगा में जब विहार करते थे, अलक्षित रूप में गंगा देवी क्या कर रही थी, महाप्रभु का अपना लहरियों से हैं, बड़ी सुंदर लहरियों से महाप्रभु को उसमें स्नान करा रही थी, महाप्रभु को हाँ, महाप्रभु उठ रहे थे, नीचे गिर रहे थे, अपना लहरी के द्वारा सेवा कर रही थी श्री गंगा देवी। इसलिए कहते ये गंगा नवद्वीप में आकर ना टेढ़ी मेढ़ी होकर के पूरा नवद्वीप धाम को किसी तरह से छोड़ना नहीं चाह रही, इसलिए कहते गंगा पूरा नवद्वीप बना दी, पूरा नवद्वीप धाम को उन्होंने नौटा उन्होंने द्वीप बना दिया। इसलिए जब परिक्रमा करने के लिए जाते हैं ना हम, नवद्वीप पार होकर के गंगा पार होकर उधर जाते हैं इधर जाते हैं, दोनों तरफ में हम लोग परिक्रमा करते, क्यों? गंगा वहीं पर घूमती रही। बोले महाप्रभु का धाम छोड़कर मैं जाऊं कैसे, हैं? जाऊं कैसे? इसलिए यही गंगा को जब भगीरथ ने लेकर गए कहां पर, गंगा सागर में। गंगा सागर कौन कौन गए? गंगा सागर गए बाबा। इसलिए गंगा सागर में कहते श्री सागर महाराज की तो 10,000 संतान थे, पता नहीं कितने पुराना हो गया, उनने जल करके राख बन गए थे, वहां पर कुछ नहीं था, हड्डी फाड्डी राख बाग कुछ भी नहीं था, लेकिन जब गंगा उनको ऊपर में केवल बहते हुए चली गई, केवल उनको बहते हुए चली गई ना, गंगा स्पर्श होते ही सागर महाराज के जितने 10,000 बच्चे थे सबके सब मुक्त होकर के भगवत धाम को चले गए। इसलिए गंगा की बड़ी महिमा, इसलिए कहते सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार गंगा सागर, इसलिए एक बार जानी चाहिए। बोले गंगा सागर की, इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु उनको कह रहे हैं गंगा की कितने सौभाग्यवान ये गंगा की हैं, जिस गंगा को स्वयं श्री शंकर जी जटा में धारण किए, जो सत्यम शिवम जो सुंदरम जो देव देव महादेव हैं। इसलिए कहते हैं शंकर जी अपने आप को छुपाने के लिए बहुत कोशिश किया, क्यों? शंकर जी परम वैष्णव है, इसलिए बर्फ के ऊपर रहते हैं, शरीर में राख मले हुए, जटा झूठ सर्प को उन्होंने अलंकार रूप में धारण किए हुए, पूरा के पूरा शंकर जी अपने आप को छुपाने के लिए बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन वो अपने आप छुपा नहीं सके। बोले क्यों नहीं छुपा सके? कारण है उनको पास में सबसे पवित्र वस्तु श्री गंगा जी इनकी सर पर है, इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपा नहीं सके। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे वहां पर गए और उन्होंने कैसे उन्होंने भगवान की जिस चरण से गंगा स्वयं प्रकट हुई है, कैसे वहाँ भगवान की चरण वहाँ पर कैसे विद्यमान और कैसे लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं, वेद ध्वनि से उनकी वंदना कर रहे हैं कैसे कैसे, इसलिए बड़े सुंदर गंगा की महाप्रभु गंगा की महिमा गाते 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 ना महाप्रभु तो एकदम प्रेम में एकदम बिहोर हो गए, रोने लग गए महाप्रभु है, विकल हो गए महाप्रभु। और महाप्रभु के अंदर में पहले हैं कहते महाप्रभु के अंदर में पहले जो अभिमान था, निमाय पंडित हूँ क्योंकि बड़े बड़े विद्वान को उन्होंने परास्त किया, लेकिन महाप्रभु जब गया से वापस आए ना, शरीर में कोई औद्धतता नहीं, कोई अभिमान नहीं, दीनहीन, और उनको गंगा की महिमा बोलते आंखों से अजोर नयन की झरी बह रही थी,
भक्त लोग तो देख देख करके आश्चर्य में हो गए। अरे निमाई पंडित, जो पहले इतने बड़े विद्वान, इतने अहंकारी हैं, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी जिनको देख रास्ता बदला लेते थे, लेकिन आज इनके अंदर में इतने परिवर्तन तक कैसे आ गए हैं? और अजहर नयन में कुछ रो कैसे रहे हैं? अभी ये सब चीज महाप्रभु बोल करके उन्होंने क्या किया, महाप्रभु रोने लग गए। उन्होंने रो करके इतने में महाप्रभु बोले, देखो तुम लोग आज घर में जाओ, जाओ कल फिर हम श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी को घर में फिर हम सबके सब वहीं पर मिलेंगे हैं, वहीं पर। उन्होंने जी महाप्रभु का भक्त है शुक्लाचार्य ब्रह्मचारी के घर में कल हम फिर वही बात हम बोलेंगे हैं। अभी जो भक्त दो चार जो भक्तों को लेकर के महाप्रभु ने ये सब कथा बोले ना, भक्त लोग इतने खुश हो गए, बोले निमाई पंडित अभी भक्त बन गया है, अभी भक्त बन गया निमाई पंडित, बहुत अच्छा हुआ। जितने पाखंडी ना, क्योंकि जितने पाखंडी उस समय बड़े उल्टा सीधा भक्तों को उल्टा सीधा बोलते थे, क्या सब तिलक लगा लिया गले में, सब बंगाल में अगर कोई तिलक लगा दिया ना, बोले बगुला क्या टाटी कर दिया है, गले में अगर कंठी बांध लिया तो बोले लकड़ी तुमने क्यों, कौन सा पाप किया हो गले में तुमने, सब माला धारण किया, चोटी लगाए तो केवल एरियाल है सबके सब, क्या सब चीज है। पाखंडी तो उल्टा पुल्टा भक्तों को चिढ़ाते हैं, चिढ़ाते थे, लेकिन जब भक्त लोगों ने देखा निमाई पंडित अभी भक्त बन गया, बोले इनको देख देंगे, इनको दुरुस्त कर देंगे। क्यों, आप देखना इसी जगत में अगर कोई जिसका नाम बहुत ऊंचा हो, बहुत ऊंचा नाम हो, अगर वो व्यक्ति अगर जिस दल में आ जाए ना, हरे कृष्ण वाला दल में है, चिंता नहीं हमारे साथ में अभी हो, और जितने सब उल्टा पुल्टा बोलते ना, सब मजा चखाते गए सबको, इसलिए भक्त लोग तो खुश हो गए। हाँ, क्योंकि महाप्रभु का नाम उस समय में बड़ा प्रभाव था, महाप्रभु का नाम बड़े बड़े विद्वान अभी जिनको देख करके थर थर कांपने लग जाते थे, भक्त लोग तो खुश हो गए, निमाई पंडित भी भक्त बन गया है। और महाप्रभु ने हैं, महाप्रभु बोले कल हम शुक्लांबर ब्रह्मचारी घर में मिलेंगे। इतने में कहते श्रीवास पंडित घर में एक कुंद पुष्प की वृक्ष था, कहते वो कुंद पुष्प नहीं मानो कहते कल्प वृक्ष, कहते भक्त लोग वहीं पर जा करके कुंद पुष्प को वहीं से चयन करते थे। बोले ऐसे ही वो कुंद पुष्प था, जितने तुम फूल तुम ले सकते हो, सब भक्त लोग जा करके भगवान के लिए फूल लेते थे, कहते कभी वो फूल कभी खत्म नहीं होता था, कहते जैसे कल्प वृक्ष जैसे वो पेड़ था, हाँ कल्प वृक्ष जैसे था। इतने में भक्त लोग जब वहां पर गए हैं, जब भक्त लोग गए बोले कौन कौन है, बोले श्रीमान पंडित जी, श्री गोपीनाथ जी हैं, कहते श्री गदाधर, रामाई पंडित हैं। जब उनके सबके सब गए वहां पर देखा, जब जा रहे थे ना, ये सबके सब हंसते हंसते जा रहे थे, बड़े प्रसन्न होकर के जा रहे थे, तो प्रसन्न होकर जा रहे थे, आ रहे थे। इतने में श्रीवास पंडित ने देख करके बोले भैया क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो, आज बड़े तो खुश लग रहे हो, मुस्कुराते हुए आ रहे हो। इतने में सब भक्त लोगों ने कहा बोले जानते हो श्रीवास पंडित जी, सुने हो, बोले क्या, बोले जो निमाई पंडित है ना वैष्णव हो गया, क्या हो गया, निमाई पंडित अभी वैष्णव हो गया। हाँ श्रीवास पंडित सुन करके इतने खुश हो गए, बोले निमाई पंडित वैष्णव हो गया, बोले हाँ हम लोगों ने देखा कृष्ण नाम लेकर के ऐसे रोता है, ऐसे रोता है जैसे आंख नहीं आकाश, आंखों से जैसे गंगा जमुना की जैसे झरी बहती है, अद्भुत उनकी कृष्ण प्रेम के आवेश हम लोगों ने कल देखा है। फिर उन्होंने बोले शुक्लांबर ब्रह्मचारी को घर में सबके सब मिलेंगे, और वहीं पर बैठ करके हरि चर्चा वहीं पर हम सबके सब करेंगे। श्रीवास पंडित देखो क्या कह रहे हैं, बोले गोत्र नो वर्धताम इति, कहते भैया हमारी जो गोष्ठी है, हमारी जो गोत्र बढ़नी चाहिए, हमारी गोत्र बढ़नी चाहिए हैं, गोत्र बढ़नी चाहिए, मतलब क्या है, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु भैया तार यही देश, महाप्रभु का यही निर्देश है हैं। अगर एक दो कहीं भक्त अगर निवास करते होंगे देना बड़ा कठिन से कहीं जिंदा रहते, लेकिन जहाँ पर जहाँ लोग जाना ज्यादा भक्त लोग सब मिलकर कीर्तन करते हैं, उत्सव करते हैं, नाम करते हैं, राधाष्टमी मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, चैतन्य महाप्रभु की जन्म उत्सव का वर्णन ये करते हैं, आनंद आता है कि नहीं। अगर अकेले हो एका बोका, एका
बुक्का एका बिकू बन जाते हो। लेकिन जहां पर इसलिए कलयुग में मतलब कलयुग में अकेले भजन नहीं कर सकते हो, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एका की आमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धन। इसलिए अकेले ना कलयुग में भजन में ताकत नहीं मिलेगा, इसलिए बोले कलयुग में संघे शक्ति है, संघे शक्ति जहाँ पर जता भक्त लोग हो कीर्तन हरि कथा नाम खूब नाच को धनवास कितना आनंद है, वहां पर कितने आनंद है। इसलिए कलयुग में इसलिए सब चाहते हैं अपना दल बढ़े ना, कांग्रेस भी चाहता है हमारे भी दल बढ़े, बीजेपी भी चाहता है हमारे भी दल बढ़े, आप पार्टी पार्टी बोले हमारे भी दल बढ़े, सब चाहते हैं अपना दल बढ़े, और हरे कृष्ण वाला का दल क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए अरे हरे कृष्ण वाला में अगर कहते ये अगर चैतन्य महाप्रभु जैसे व्यक्ति है उस समय श्रीवास पंडित नारद जी है, इसलिए वहां पर एक एक्का दुक्का कहीं भक्त लोग भजन करते थे अलग अलग, जब उन्होंने सुना निमाई पंडित अभी वैष्णव बन गया, वो कहते भैया भगवान हमारी गोष्ठियों को गोत्र को खूब बढ़ाते रहे हैं बढ़ाते रहे, ये पाखंडी को हम दुरुस्त कर देंगे हैं, निमाई पंडित अगर हमारे दल में आ गया बड़े प्रसन्न हो गए हैं, बड़े प्रसन्न होकर के क्या किया सबके सब जा करके बोले उन्होंने बोले शुक्लांबर घर में उपस्थित होना, चलो हम सबके सब श्री शुक्लांबर घर में हम सबके सब चलते हैं। जब वहां पर सबके सब गए वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु उनका अंदर में जो दिव्य प्रेम की जो उनका अंदर में जो लक्षण देखा है, महाप्रभु कैसे कृष्ण नाम लेकर के कैसे अजोर नयन में क्रंदन करते हैं, पाई नो ईश्वर मोल कौन दिखे गेला एतो बोली खंभ को ले करिया पड़ीला। महाप्रभु ने कहा मेरे सच कहा मेरे श्री कृष्ण कन्हैया मेरे कहाँ हैं, इतना बोल करके खंबा था, महाप्रभु ने खंबे को पकड़े और महाप्रभु वहीं पर उन्हें गिर करके महाप्रभु मूर्छित हो गए। जब खंबा उन्हें टूट पड़े कहाँ उनकी केस बिखर गया, महाप्रभु कृष्ण बोल बोल करके मूर्छित हो गए, उनका बाह्य ज्ञान खत्म हो गया। हाँ कृष्ण रे प्रभु रे मोर कौन दिखे गेला, मेरे श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया कहाँ पर गए। महाप्रभु इसे रो रहे थे जिसको देख देख करके हैं भक्त लोग तो आश्चर्य हो गए आश्चर्य हो गए। इतने में जो महा जो गदाधर पंडित भी वहां पर गए थे, गदाधर पंडित कौन है कहते श्री राधा रानी, और वहां पर गदाधर पंडित भी घर में बैठे करके रो रहे थे। महाप्रभु कहे गदाधर तुम बड़े सौभाग्यवान हो, बोले क्यों सौभाग्यवान, बोले तुमको शिशु काल से कृष्ण में तुम्हारी अनुराग है, कृष्ण के प्रति तुम्हारी प्रेम है, तुम कितने सौभाग्यवान हो। देखो महाप्रभु क्या शिक्षा देते, भैया कृष्ण भजन में आने वाले व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति में साधारण व्यक्ति नहीं, सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिस्वपी महामुने ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बीज। इसलिए महाप्रभु स्वयं कहते हैं जिनको बचपन से कृष्ण के प्रति जिनका अनुराग है, कृष्ण के प्रति जिनका प्रेम है, कहते गदाधर तुम बड़े सौभाग्यवान। इसलिए जो लोग भगवान की भक्ति में आए हैं तिलक माला कंठी भजन भक्ति करते हैं, हैं समझो बड़े सौभाग्यवान हैं। देत ईश विनो हेतु सनहि, ये जीवन दुर्लभ है और इसमें दुर्लभ में भी क्या है जो कृष्ण भक्ति में जो आते हैं बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति हैं। जैसे धूल कणा को जैसे कोई गिन नहीं सकते, जीवों को वैसे कोई गिन नहीं सकते, इतने जीव है जगत में इतने जीव है। कोई एक उदाहरण दिया है नदी रो स्रोत प्रवाह जन काष्ट लागे तीरे, याद है वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे नदी बहते बहते जा रही है पानी बड़े तेजी पानी बहते नदी जब बहती है उसमें बहुत सारे तीर्ण लकड़ी पकड़ी बहते हुए जा रहे, लेकिन कदवा कुचित कोई एक तीर्ण कोई एक लकड़ी जैसे आकर किनारे में लग जाती है, उदाहरण देते उसी तरह संसार में अनंत जीव संसार में बहते हुए संसार में जा रहे, लेकिन जो लोग भक्ति में आ गए ना कदवा कुचित एक व्यक्ति कैसे भक्ति में आ गए भजन में आ गए, बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति भजन में आए। महाप्रभु कह रहे गदाधर तुम बड़े सौभाग्यवान हैं क्योंकि बचपन से तुम्हारी कृष्ण का प्रति तुम्हारी
बस मन से तुम्हारी प्रेम है, हैं? इसलिए चक्षु खुल जाकर नंदन, इसलिए महाप्रभु कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं। लेकिन इतने में महाप्रभु का जो बाह्य प्रकाश हुआ है, हाँ, जब बाह्य प्रकाश हुआ, अभी क्या हुआ, महाप्रभु जब से गया से वापस आए, महाप्रभु गए थे, गया बहुत दिन हो गया, जब वापस आए, महाप्रभु पहले टीचर थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन बड़े दिनों से उन्होंने बच्चों को नहीं पढ़ाया, है, नहीं पढ़ाया। इतने में महाप्रभु ने प्रेम को प्रकाश करते हुए अपना गुरु जी को पास में गए। महाप्रभु का गुरु जी कौन थे, संस्कृत का गुरु जी कौन थे, हाँ, कहते श्री गंगादास पंडित है। उन्होंने श्री गुरु जी को पास में गए, हैं, गुरु जी को पास में जाकर गुरु जी को उन्होंने प्रणाम किया है। इसलिए जब प्रणाम किया, गुरु जी ने बड़ा उनको आशीर्वाद दिया, हैं, गुरु जी ने उनको बड़े आशीर्वाद दिए हैं। आशीर्वाद दे करके बोले, देख बेटा, बच्चों को बड़े दिन हो गया, तुमने बच्चों को पढ़ाया नहीं, अभी तुमको बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। बोले ठीक है गुरुदेव, कल से मैं बच्चों को मैंने पढ़ाना है, मैंने शुरू करूंगा। इसलिए अभी महाप्रभु बच्चों को पढ़ाने के लिए गए। जब महाप्रभु बच्चों को पढ़ाने के लिए गए, बोले रात्रि निद्रा नहीं जान प्रभु कृष्ण रसे, बिरहे ना पाए स्वास्थ्य उठे पड़े वसे। कहते श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रात में जो विश्राम करने के लिए जाते हैं, कृष्ण बिरह में सो नहीं पाते, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, रात भर महाप्रभु ऐसे बीता। और दूसरे दिन जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने गए, बस उन्होंने पोथियों को उन्होंने खोले, जब पोथियों को खोले, कहते अभिष्ट हया प्रभु करे न व्याख्यान, सूत्र वृत्ति टिकाए सकली हरिनाम। महाप्रभु जो सूत्र वृत्ति और जो टीका है, सबके सब महाप्रभु हरिनाम पर को उन्होंने व्याख्या किया है, हैं? कहा देखते हैं उनको कृष्ण की याद आता है, आ देखते ही हैं नारायणात उद्भूत उद्भूत अयम वर्णक्रम। कोई तो पढ़े नहीं ना, तुम लोग कोई पढ़े हो, हरिनामृत व्याकरण है। इसलिए कहते जो हरिनामृत व्याकरण, कहते जो सनातन गोस्वामी पहले छोटा बनाया, उसको बाद में श्री जीव गोस्वामी बनाए। महाप्रभु ने जो जो उन्होंने शिक्षा दिया था, उसी को ही आधार करके श्री सनातन गोस्वामी छोटे रूप में और श्री जीव गोस्वामी बड़े रूप में बनाए हैं। इसलिए अगर कभी हो तो थोड़ी बहुत हरिनामृत व्याकरण पढ़ लेना तुम लोग, बड़े अद्भुत ग्रंथ है। उन्होंने जो वर्णन किया है, नारायणाद उद्भूत अयम वर्ण क्रम, यहीं से शुरू होता है। जो वर्ण और जो क्रम है, अ आ ई ई हैं, एक अ के बाद में आ के बाद में ई, ई के बाद में उ हैं, उन्होंने जो स्वर वर्ण को उन्होंने सर्वेश्वर नाम दिया, और जो व्यंजन वर्ण को उन्होंने विष्णु जन नाम दिया है। बोले ऐसे क्यों, मतलब कितना उन्होंने फिलोसफी का उन्होंने जो नाम दिया अद्भुत रूप में, हरि प्रणव, हरि खड़गा, हरि गोपाला, ऐसे ऐसे नाम दिया है, सर्वेश्वर है, जैसे अ आ ई ई, उन्होंने उनका नाम दिया सर्वेश्वर। सर्वेश्वर मतलब क्या, सबका जो ईश्वर का जो ईश्वर कौन है, बोले कृष्ण है, हैं? और जिसका सर्वेश्वर मतलब सभी का ईश्वर का जो ईश्वर है, वो जो किसका सहाय नहीं लेता है, हैं? स्वर वर्ण जैसे अ आ ई ई उ ऊ, देना किसी वर्ण को बगैर आश्रय लिए हुए ये वर्ण उच्चारण होता है। लेकिन उन्होंने जो व्यंजन वर्ण है क ख ग घ व ट ट, उसको उन्होंने विष्णु जन नाम दिया। बोले क्यों, बोले क बोलो आ के बगैर क नहीं बोल सकते, जैसे ख बोलो आ के बगैर ख नहीं होगा, ग आ आता है, हैं, घ उसमें अ आता है, हैं? कहते इनका नाम दिया विष्णु जन। विष्णु जन मतलब भगवान का जो सेवक है। भगवान किसकी अधीन में रहते हैं, बोले भगवान की भक्त किसके अधीन में रहते हैं, भगवान के अधीन में भक्त रहते हैं, भगवान के अधीन में। आ कौन, ये सर्वेश्वर है, ये सर्वेश्वर भगवान का बोलते ही क्या होता है, उसमें अ आता है, आ के बगैर का उच्चारण नहीं हो सकता है, इसलिए इनका नाम दिया विष्णु जन। ये सब कैसे भगवान की भक्त है, हैं? भक्त जैसे भगवान के अधीन में रहते हैं, उसी तरह ऐसे उन्होंने अद्भुत रूप में उन्होंने सब चीज को उन्होंने वर्णन किया अद्भुत रूप में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सब कुछ उन्होंने कृष्ण परक उन्होंने हैं अकार उच्चते कृष्ण, आ मतलब अकार उच्चते कृष्ण सर्वलोक का नायक,
उकार उच्चते जीव, उकार उच्चते राधा और मकारे जीव वाचक। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं शब्द का दो तरह का वृत्ति है, कहते हैं एक विद्वत रूढ़ी वृत्ति और एक अज्ञा रूढ़ी वृत्ति, दो तरह का वृत्ति है। कहते महाप्रभु ने, महाप्रभु ने हर चीज को, हर शब्द का दो तरह का अर्थ है, एक गंभीर अर्थ है, एक साधारण अर्थ है शब्द का। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं प्रभु बोले सर्वकाल सत्य कृष्ण नाम, सर्वशास्त्रे कृष्ण भई ना बोले आन। कहते जगत में प्रभु बोले सर्वकाल सत्य कृष्ण नाम, जगत में कृष्ण का नाम ही सब समय में सत्य है। इसलिए मरते समय क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोले सत्य है, सब कोई बात झूठा है। इसलिए जगत में किसका नाम श्रेष्ठ सत्य है, प्रभु बोले सर्व क्षण कृष्ण सत्य नाम, कृष्ण का नाम ही सत्य। लेकिन सर्व शास्त्र कृष्ण वही ना बोले यार, जितने सारे शास्त्र देखोगे कृष्ण को छोड़कर और कुछ नहीं बोलते हैं। फिर यहाँ पर उदाहरण देते हैं बोले वेदे रामायण चैव, बोलो उसके बाद में पुराणे भारत तथा, उसके बाद में बोलो आद्य बंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। इसलिए वेदे रामायण चैव पुराणे भारत तथा, वेद रामायण पुराण में है, सर्व शास्त्र में आदि अंत और मध्य में कृष्ण सर्वत्र गीयते। सब शास्त्र में सर्वत्र का मतलब कृष्ण, कृष्ण छोड़कर और कुछ है ही नहीं। इसलिए बोले नाम क्या, बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिर्नत्वात् नाम नाम। भगवान का जो नाम है कृष्ण नाम चिंतामणि है, रस स्वरूप है, और भगवान से बढ़कर के भगवान की नाम है। इसलिए कह रहे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर सब कुछ उन्होंने केवल कृष्ण 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 पर उन्होंने व्याख्या किया है। इसलिए उन्होंने क्या बोले, बहुत कुछ महाप्रभु ने बताए, इसको कल हम सुनेंगे कैसे सर्वशास्त्र पहले बीच और अंत में सब जगह में कैसे कृष्ण 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 छोड़कर कुछ है ही नहीं, कैसे ये चीज को स्थापन करते हैं महाप्रभु, ये बात वो कल हम लोग श्रवण करेंगे। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जोर से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
सबके सब थोड़ी समय के लिए और था ताली बजाते हुए करुणा वायरस के लिए करुणा वायरस चली जाए इसको उपलब्ध करते हुए सबके सब थोड़ी समय कीर्तन करो, क्योंकि जो भगवान का नाम है कहते मंगल भवन अमंगल हरि भगवान का नाम है, इसलिए सबके सब थोड़ा ताली बजाते हुए कीर्तन करें। बोला जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे। यहाँ पर श्री ये जगन्नाथ जी का प्रिय भजन है, कहीं भी ये भजन हो जगन्नाथ जी जरूर वहां पर आ जाते हैं, और जगन्नाथ जी को आने का जरूरत है ही नहीं क्योंकि जगन्नाथ जी ऑलरेडी यहाँ पर है ही है, हाँ यही पर है। इसलिए आप लोग ताली बजाते हुए जगन्नाथ जी को सामने प्रार्थना करें। बोले जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल जय यशोदा दुलाल जय जय देव हरे।
Yeah.